राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। पिछले कुछ वीडियो से हम चर्चा कर रहे हैं दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स, कुछ व्यवहारिक उपायों के बारे में। इन उपायों को अगर आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन में ढाल लेते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई क्लेश, कोई झगड़े, कोई मनमुटाव की स्थिति आएगी ही नहीं। आज भी एक नए विषय के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सामने उपस्थित हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखने सुनने का प्रयास करें। हम अपने मूल विषय पर ही चलते हैं। प्रायः घरों में ऐसी अनेकों समस्याएं होती हैं जिससे पत्नी को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं तो ही पत्नी परेशान हो जाती है, और इसके अलावा भी अन्य कई समस्याएं हैं जिससे पत्नी को परेशान होना स्वाभाविक ही है। जैसे उसके बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, रसोई में कोई सामान खत्म हो गया है, घर में कुछ नुकसान भी हो गया है, कुछ आसपास की अनेकों बातें जो उसके तनाव का कारण बन जाती है, घर के अलावा भी पास पड़ोस के लोग कुछ उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, कुछ बाहरी तनाव, कुछ घर का तनाव, कुछ आर्थिक समस्या का तनाव, या घर में पैसे थे वो समाप्त हो गए, तरह तरह की समस्याएं हैं जिससे पत्नी स्वाभाविक रूप से परेशान हो जाती है। ये समस्याएं आम समस्या है जो हर घरों में प्रायः होती है, और इन समस्याओं से पत्नी वर्ग ही ज्यादा परेशान भी रहता है। अब बात ये होती है कि पत्नी इन सब समस्याओं को कैसे अपने पति से कहे, और इन सब समस्याओं की चर्चा वह पति से करती है। करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अनेकों स्त्रियां तो ऐसी होती हैं कि पति जो ही घर आता है उनसे सारी समस्याओं का जिक्र करना शुरू कर देती हैं। कई बार तो पति अपना हाथ मुंह पैर धो भी नहीं पाता है, अपने कपड़े भी नहीं निकाल पाता है, आराम से बैठ भी नहीं पाता है, और उसके सामने अनेकों समस्याओं जिससे पत्नी परेशान है उन सब की बातें वह पति से करने लगती है। उससे पहले ही सभी समस्याएं बताने शुरू कर देती हैं। थका हुआ होने के बावजूद भी पति उन सभी बातों को सुनता भी है, किंतु कई बार वह तंग हो करके पत्नी को डांट डपट भी देता है। अब यहाँ से दोनों के जीवन में कुछ कड़वाहटों का दौर शुरू हो जाता है, कुछ आपस में मनमुटाव हो जाता है। जब पति डांटता है तो पत्नी भी थोड़ी बहुत उग्र हो जाती है, उसका स्वभाव भी उग्र हो जाता है, वह दो बात कह देगी, फिर पति कुछ बातें कहेगा, बात कहीं और की और बात कहीं और जाके खत्म होती है या प्रायः खत्म ही नहीं होती है। अतः दांपत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए पत्नी के लिए सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा फार्मूला है कि वह किसी भी बात को कहने के लिए सही समय की तलाश करे। उचित समय पर कही हुई बातें अच्छी रहेंगी, और अनुचित समय पर आप जब कोई भी बात कहेंगी तो आप लोग का दांपत्य जीवन आपस में, आप लोग के दांपत्य जीवन में झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे, आपसी सामंजस्य में कमी आएगी। मेरे बातों का अर्थ आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो, अपना हस्तरेखा का खींचा हुआ फोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ का पूरा डिटेल हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, कुंडली को रीड करके, हस्तरेखा को रीड करके उचित मार्गदर्शन करूँगा, और आवश्यकता पड़ी तो यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से, वो अन्य भारतीय विद्याएं, वो अन्य साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपनी सभी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य वशीकर साधना, चित्र वशीकर साधना, कामधेनु साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, वो अन्य विद्याएं, वो अन्य साधनाएं सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।